वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट दोस्तों, ये इस वीडियो का तीसरा और आखिरी पार्ट है। पहले दो पार्ट में मैंने इसको एक्सपोज किया था एक्चुअल डेटा के साथ, पर अब इसे इसकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। नेवी में आ जाए आप, फ्रिगेट्स बांग्लादेश के पास है। अब इस दोगले भोसड़ी के को क्या बोले, नेवी की मैन स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और एयरक्राफ्ट करियर होते हैं, फ्रिगेट स्मॉल फाइट और जल्दी पहुंचने के लिए होते हैं। बांग्लादेश जो भी तैयारियां कर रहा है वो म्यांमार के लिए है, ना कि इंडिया के लिए है। चल अब इंडिया के बारे में बता, क्या सोच है तेरी? हमने देखा कि ये जो INS विक्रांत है ये काफी एडवांस होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर काफी फीचर्स जो है वो आज तक मैंने नहीं देखे किसी ऐसे, मतलब यार मजे की बात, सबसे मजे की बात ये है कि ये इंडिया ने खुद बनाया है। हाँ, इंडिया ने खुद बनाया है यार, सबसे मजे की बात है, जबरदस्त फीचर्स लाइक। और हमने जब रामी मानस दो दिन में पलट गया, बांग्लादेश की जो क्वालिटी है ना, आप अगर ये कहें कि यार क्वालिटी नहीं है, तो बांग्लादेश की भी उतनी ही क्वालिटी है वेपन्स की जितनी आपके पास है। ये फंस गया सी है, ये फंस गया सी है। INS विक्रांत मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आंखें जरूर खोल देगी, पाकिस्तान की आंखें खोलेगा ही, क्योंकि इसके अंदर मात्र फीचर बहुत ज्यादा है, फीचर इतने ज्यादा कि मैं इतने ज्यादा फीचर को अभी मतलब दिमाग में आ रहे हैं, बट वो निकल ही जा रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैंने पाकिस्तान मीडिया की ये देखी है, मैंने क्लिप नहीं देखी, पाकिस्तान मीडिया कुछ क्लिप्स देखे और पाकिस्तानी जो मीडिया एंकर पर्सन का वाकई जो है इस पे बोखलाए हुए, मतलब हैरान है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इंडिया हमसे कहां जा रहा है आगे, और हमारी नेवी तो बहुत पीछे, पहले से पीछे है तो मजीद पीछे। बात ये है कि हमारे पाकिस्तान इंपोर्ट करते हैं जो भी चीज़ें, इंपोर्ट करते हैं, अभी मैं कंफर्म गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ, अगर इनका मुकाबला करने के लिए अभी कोई इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर मंगवाया तो उन्होंने कंफर्म चाइना से मंगवाया, चाइना से मंगवाया, नहीं बनाना। आप पैरा कमांडोज का देख लें भाई, 2015 का रिकॉर्ड उठा कर देखें, उसमें पैरा कमांडो बांग्लादेश वर्सेस जो इंडिया के कमांडो से उनके दरमियान मुकाबला हुआ जिसमें बांग्लादेश जीत गया, फिर उसके बाद आपने कॉपी किए। बहन के पकोड़े, झूठ बोलना भी नहीं आता। आप तो हमेशा से मतलब बांग्लादेश की क्या पूरी दुनिया की कॉपी करते हैं, और उसके बाद आपने जो टेक्नोलॉजीज बनाई है, जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज बनाई है, आपने काली बनाया, आपने आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल बनाया, आपने पृथ्वी मिसाइल बनाया, आपने अग्नि मिसाइल, अग्नि 6 मिसाइल जो रिसेंटली बनाया, सारी कॉपी है यार, आप लोग कॉपी कर रहे हो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि इंडिया आपका जो है बहुत एडवांस हो गया, बहुत मैन्युफैक्चर कर रहा है, आपका अग्नि, आपका पृथ्वी, आपका काली, आपका जो ब्रह्मोस, आपका और काफी आकाश बना रहे हैं, प्राइम बना लिया उन्होंने, सारा कुछ खुद बना रहे हैं। इसके अलावा यार वो मेट्रो ट्रेन जो है ना इंडिया खुद बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को कर रहा है, वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है इंडिया। जब हमें ये पता लगी थी हम हैरान रह गए थे, हमने एक रिएक्शन दिया था कि मेट्रो ट्रेन बना के एक्सपोर्ट भी कर रहा है इंडिया, हमारे तो तसव्वुर ही सोच नहीं सकते कि कोई मतलब मेट्रो ट्रेन का डब्बा पाकिस्तान में बने एक्सपोर्ट। बाद चाइना वालों को बुलाते हैं अपने रेलवे ट्रैक उसे सेट कर दो, ये सीन यही नहीं अभी और सुनिए, पर जो मॉडर्न डेज में इंडिया ने सीक्रेटली बनाया उसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये आम बैलिस्टिक मिसाइल से काफी हद तक खतरनाक है गाइस, आप लोगों ने अग्नि का नाम सुना होगा, अग्नि मिसाइल जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, वो टॉप 10 डेडली वेपन्स में उसको शुमार किया जाता है। अग्नि वेपन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उससे ज्यादा मैं फैन हूँ काली वेपन जो कि इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किया था। अब बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडिया ने खुद बनाया, सीक्रेटली बनाया है, किसी को पता भी नहीं चला, जब डेवलप हो गया इसको सैटरडे को रिसेंट सैटरडे को इसको मतलब टेस्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहेगा।
इसका मतलब जो रेंज है वो 1000 km स्ट्राइक रेंज है, मतलब इतनी ज्यादा कि ये अग्नि से भी काफी ज्यादा खतरनाक है अग्नि से। पूरी दुनिया की जो मीडिया इस टाइम बौखलाहट का शिकार है कि यार इतना खतरनाक वेपन इंडिया ने कैसे बना लिया। ये उनके पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी इसके बारे में काफी चर्चे हैं कि सूर्या मिसाइल जो इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर की है वो काफी खतरनाक है, इससे पाकिस्तान को क्या मुश्किल आ सकती हैं। क्योंकि भाई ये अब जब सूर्या मिसाइल उन्होंने जवाबी वार में इंडिया ने जब दुनिया के सामने लेके आया कि हमने सूर्या मिसाइल बना लिया, तो चाइना भी डर रहा है कि यार हम गलती कर बैठे हैं या बुलेट ट्रेन बनाकर हम जंग का आगाज शुरू करने लगे। और चल बस लाएगा क्या, सिर्फ डिफेंस सिस्टम ने ही अपने आप को मजबूत नहीं किया गाइस, इन्होंने स्पेस एजेंसी भी अपनी काफी मजबूत की है जो कि इसरो है की इसरो जो कि पाकिस्तान के स्पार्को से काफी देर बाद बना है अदारा, उसने अब तक इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि नासा जैसी बड़ी कंपनी भी हैरान हो गई है। इन्होंने 120 सैटेलाइट्स एट टाइम अपने लॉन्च किए थे जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और काफी कंट्रीज को इन्होंने हेल्प की है इनके सैटेलाइट गैलेक्सी तक पहुंचाने के लिए। सो गाइस नासा भी चाहती है कि वो इंडिया से सीखे, इंडिया ना के डिफेंस सिस्टम की स्पेस एजेंसी भी ठीक है, इनकी इकॉनमी भी स्टेबल है, इनकी जीडीपी बढ़ रही है, इनका जो इतनी आबादी होने के बावजूद इनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो रहा है, इनकी पॉवर्टी लाइन हर साल काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर जाते हैं। तो गाइस ये एक तरक्की की निशानी है कि ये तरक्की हो रही है, आर्टिफिशियल तरक्की नहीं हो रही जो कि पाकिस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान में लोन लेकर आर्टिफिशियल मतलब आपके स्टॉक मार्केट को बढ़ाया गया है, आर्टिफिशियल आपकी जीडीपी 4 पे चले गई है जो 4.8 तक जाने के इम्कान है, आर्टिफिशियल आपके हर जो पैमाने डेफिसिट कम किया गया है, आर्टिफिशियल हर चीज हो रही है। जबकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पाकिस्तान का मुआवजा करें इंडिया से, पाकिस्तान में हर चीज महंगी है, आपका आटा महंगा हो रहा है, आपका चीनी महंगा हो रहा है, हर चीज स्टॉकिंग की जा रही है, हॉर्डिंग की जा रही है। तो गाइस हर चीज का एक कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अभी इंडिया से बहुत पीछे है। इंडिया का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो उसका कंपैरिजन होगा चाइना बड़ी बड़ी आलमी ताकतों से, पाकिस्तान का कोई पाकिस्तान का मतलब कंपैरिजन हम कर नहीं सकते जिस कदर इंडिया इस टाइम खतरनाक है, क्योंकि उनके वेपन्स इतने हैं, उनके न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा खतरनाक है। क्वान्टिटी डजेंट मैटर, याद क्वालिटी मैटर करती है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है ज़रा बट जो क्वालिटी है वो इंडिया के पास है, इंडिया और आपका ईमान जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम शहीद होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम शहीद हों, हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जाकर हम लड़ें और हम शहीद हों, और ये खुदीली ख्वाहिश होती है किसी भी सोल्जर की, एक इस्लामिक जो पैट्रियट सोल्जर होते हैं उसकी दिली ख्वाहिश होती है। वो एक बंदा आपके 10 बंदों के बराबर है। कितने बुजदिल थे जनरल नियाजी, इसका भी खुलासा इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सलीक ने किया है। अब ये जनरल नियाजी साहब जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया तो रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोते थे। जी हाँ, ये किसने लिखा है, ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक ने अपनी इस किताब में लिखा है, मैंने ढाका डूबते देखा। ये किताब अंग्रेजी में भी मौजूद है, विटनेस टू सरेंडर, लेकिन इसका उर्दू तर्जमा मेरे पास मौजूद है। इन्होंने ये भी लिखा है कि जब दिसंबर में हालात ख़राब हुए, जंग शुरू हो गई, तो 7 दिसंबर 1971 को जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे गवर्नर मालिक साहब, उन्होंने जनरल नियाजी को गवर्नर हाउस में बुलाया और उनसे पूछा कि जनरल साहब ये बताइए कि मुहाज की क्या खबरें हैं। तो इस किताब में ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब लिखते हैं कि वहाँ पर मेजर जनरल राव फरमान अली भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में जब गवर्नर ने पूछा कि नियाजी साहब बताइए मुहाज की क्या खबरें हैं, तो नियाजी साहब रोने लगे। दोस्तों आप लोग इन टॉमियों पे ध्यान मत दीजिए, इनको सपोर्ट करने वाले बिहारी मुस्लिम है जो 1947 में चले गए थे, भिकारिस्तान लेता नहीं है, बांग्लादेश उनको नागरिक ही नहीं मानता है। अगर आप कोई सुझाव या लिंक देना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर दीजिए, फॉलो कीजिए।
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।